सब जने हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तिलोरा ग्राम में आज 3 साल पहले इन्होंने ना हमारे जल मिशन योजना जो चल रही है उसकी पर्चियाँ काटी इन्होंने। इन्होंने हमसे 3200 रुपए लिए। अब सरकार की तरफ से ये योजना आई है कि मतलब अब कनेक्शन फ्री कर दिए गए, तो ये लोग अब हमारे ना मतलब कनेक्शन जो फ्री है उन लोगों के जिनकी पर्चियाँ नहीं कटाई है वो उनसे पर्चियाँ मांग रहे हैं। अगर हम पर्ची नहीं दे रहे हैं उनको 3200 रुपए की तो वो हमारे कनेक्शन नहीं करें। और हमारी ग्राम पंचायत तिलोरा में 3 गाँव हैं, गोवड़िया, किशनपुरा और तिलोरा। तो अभी है ना 2 गाँवों में, गोवड़िया और किशनपुरा में 1.5 साल पहले यहाँ है ना जल मिशन योजना के तहत वहाँ पानी की योजनाएँ चालू होगी, हर घर नल मतलब व्यवस्था हो चुकी है। मतलब तिलोरा गांव में अभी तक ना रोड तोड़ दी गई है, साल भर से ये काम चल रहा है, अभी तक कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सरपंच लोग है ना मतलब अपना फोन बंद कर लेते हैं, उप सरपंच के पास जाते हैं तो वो अपना फोन बंद कर लेता है, पंचायत में कोई आता नहीं है, हम किसके पास जाएं? तो ये हमारे और ठेकेदार से पूछते हैं, ठेकेदार बोलता है आपका सरपंच बोलेगा तो हम आपको कनेक्शन दे देंगे। और हम जिसको भी कॉल करते कॉल कोई अटेंड नहीं करता, सबने फोन बंद कर रखे। सरपंच को हम सुबह से आज एकत्रित हो रखे हैं इतने जने, तो यहाँ पे सरपंच अभी तक है ना सुबह से नहीं आया है। हम उसकी है ना अभी सुबह से अभी तक है ना वेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आता हूँ अभी तक नहीं आया है, वो कोई चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। और जो ये कनेक्शन फ्री योजना है तो हम सबको लाभ मिलना चाहिए, इसका हम सरपंच साहब महोदय से यही गुजारिश करते हैं कि जिन जिन के कनेक्शन अभी नहीं हो रखे हैं उनको कनेक्शन दे के ये कहानी ख़त्म करी जाए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत तिलोरा समुंदर सिंह रावत, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारे गाँव 3 गाँवों में जल मिश्री योजना के अंदर सरकार की स्कीम थी पहले 3200 रुपये, पहले सरकार की उन्होंने नहीं बनाया था भाई 3200 रुपये आप जनसहयोग की राशि दो, तो कई लोग काफ़ी दिए काफ़ी नहीं दिए अभी तक, और 10% उनसे 26 से थे पहले, बाद में उन्होंने 3200 किया, हमारे पास लेटर आया कि आप 3200 लोग, हमने 3200 रुपये काफ़ी लोग दिए काफ़ी नहीं दिए, तो सरकार अभी तक हमारे कोई नया आदेश नहीं किया, पहले काफ़ी लोग जो दिए और कुछ लोग ले रखे हैं वो नहीं देना चाहते, तो वो सरकारी क्या योजना हम लोग पता नहीं, PhD डिपार्ट वाले लेट करें जल्दी करें, वो PhD डिपार्ट का काम है, और हमने जो रसीदें काटी उनका पैसा बीच में जमा करा दिया गया, और जिन्हें फ्री कटी है वो नाटक करेंगे हम पैसे नहीं देंगे फ्री कर देंगे, अगर सरकार फ्री योजना है तो मदद नहीं करेंगे, फ्री करा दे ही कनेक्शन, हम उच्च अधिकारी से फोन करके पूछ लेंगे कि कुछ कनेक्शन दे दिए जो पैसे नहीं दिए उनको, अगर पैसे नहीं लेने तो नहीं लेंगे हम ऊपर। जब हमारे सरकार हमारी BJP की आई, भजनलाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने और हमारे सुरेश जी मंत्री बने, तो हम सोचते पूछ लेंगे भाई ये फ्री का है या अगर फ्री का है, फ्री वाले हम कनेक्शन अगर योजना बाद में चेंज करेंगे तो हम उच्च अधिकारी से पूछ के हम उनसे पैसे नहीं लेंगे, तो बाकी बच गए लोग, और जो बच्चे हैं कुछ पैसे दिए लोगों ने वो पैसे सब जल मिश्री योजना के बैंक में जमे हैं, वो कुछ लोग जब चुनाव का मुद्दा आ गया इसलिए हमारे खिलाफ पार्टी हमारे खिलाफ झूठा मुद्दा बना रही है, जबकि हम 3-4 बार सरपंच की हम सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, सबको बराबर न्याय नियमित से काम करते हैं, हमने किसी के साथ जांच नहीं करते हैं। सुबह मैं तिलोर जाकर आया था और मैं 1 घंटे खड़ा रह करके आया था, उस टाइम कोई नहीं हुए थे, बाद में आकर हम आने के बाद में झूठा लाशन लगा रहे हैं, जो MLA जब चुनाव आते हैं तो हमारे खिलाफ लाशन लगाया जाता है, इसलिए हम लोग किसी कोई बुराई नहीं करते हैं कभी नहीं आज तक। इनके अलावा मैं हमारे दुकान के सभी लोगों में शुभकामना देना चाहता हूँ। फ्री वाले कनेक्शन करवा रहे हैं तो सरपंचों ने क्या है कि पहले रसीदे काट थी, अब कह रहे हैं कि फ्री, तो हमारे को जैसे ही ग्राम सेवक है वो बोल देंगे कि भाई फ्री कर दो तो हम फ्री कर देंगे, अपने तो कोई है नहीं है सर, अपन तो फ्री करने के लिए या रसीद से दोनों में एग्री है। ठीक है, सब जने हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तिलोरा ग्राम में आज 3 साल पहले इन्होंने ना हमारे जल मिशन योजना जो चल रही है उसकी पर्चियाँ काटी इन्होंने। इन्होंने हमसे 3200 रुपए लिए। अब सरकार की तरफ से ये योजना आई है कि मतलब अब कनेक्शन फ्री कर दिए गए, तो ये लोग अब हमारे ना मतलब कनेक्शन जो फ्री है उन लोगों के जिनकी पर्चियाँ नहीं कटाई है वो उनसे पर्चियाँ मांग रहे हैं। अगर हम पर्ची नहीं दे रहे हैं उनको 3200 रुपए की तो वो हमारे कनेक्शन नहीं करें। और हमारी ग्राम पंचायत तिलोरा में 3 गाँव हैं, गोवड़िया, किशनपुरा और तिलोरा। तो अभी है ना 2 गाँवों में, गोवड़िया और किशनपुरा में 1.5 साल पहले यहाँ है ना जल मिशन योजना के तहत वहाँ पानी की योजनाएँ चालू होगी, हर घर नल मतलब व्यवस्था हो चुकी है। मतलब तिलोरा गाँव में अभी तक ना रोड तोड़ दी गई है, साल भर से ये काम चल रहा है, अभी तक कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सरपंच लोग है ना मतलब अपना फोन बंद कर लेते हैं, उप सरपंच के पास जाते हैं तो वो अपना फोन बंद कर लेता है, पंचायत में कोई आता नहीं है, हम किसके पास जाएं? तो ये हमारे और ठेकेदार से पूछते हैं, ठेकेदार बोलता है आपका सरपंच बोलेगा तो हम आपको कनेक्शन दे देंगे। और हम जिसको भी कॉल करते कॉल कोई अटेंड नहीं करता, सबने फोन बंद कर रखे। सरपंच को हम सुबह से आज एकत्रित हो रखे हैं इतने जने, तो यहाँ पे सरपंच अभी तक है ना सुबह से नहीं आया है। हम उसकी है ना अभी सुबह से अभी तक है ना वेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आता हूँ अभी तक नहीं आया है, वो कोई चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। और जो ये कनेक्शन फ्री योजना है तो हम सबको लाभ मिलना चाहिए, इसका हम सरपंच साहब महोदय से यही गुजारिश करते हैं कि जिन जिन के कनेक्शन अभी नहीं हो रखे हैं उनको कनेक्शन दे के ये
कहानी खत्म करी जाए। आप कर जिन्होंने पर्ची नहीं कटाई उनसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं और ये अभी फ्री चल रहा है, लगभग हर जगह फ्री दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे पंचायत वाले अभी भी बोल रहे हैं कि 3200 रुपए की रसीद कटाई जाए और ये अभी बिल्कुल फ्री है। कौन बोल रहा है पंचायत से? कौन ये बोल रहे हैं? उप सरपंच बोल रहे हैं और सरपंच बोल रहे हैं कि पर्ची तो लगेगी और ठेकेदार और बोल रहा है कि पर्ची होगी तो ही कनेक्शन दिया जाएगा, उससे कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब इस घर में दे दिया, मेरा घर छोड़ दिया गया, उससे आगे दे रहा है, फिर एक घर छोड़ दिया गया, क्योंकि हमने पर्ची नहीं कटाई थी और अब ये फ्री हो गया। कुल मिलाकर दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आपका नाम? मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, आर्य हॉस्पिटल अजमेर। आर्य हॉस्पिटल में मेरे अलावा भी फिजिशियन भी हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, जनरल सर्जन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इलेक्ट्रिशियन हैं। ये सब की सेवाएं उपलब्ध हैं। एज ए ट्रोमा केयर के लिए कंप्लीट टीम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जल्द ही हम कार्डिक फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सब ने जो हम पे विश्वास जताया उन सब के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी नागौर वासियों, बिहार वासियों, किशनगढ़, केकड़ी, जिन सभी का मेरे को सपोर्ट है, अजमेर वासियों, सभी को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।